हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लैंक स्पार्कल में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ ब्रॉकेड साड़ी को रीयूज करने के बहुत सारे आइडियाज़। कई बार हमारे पास बहुत सारे साड़ीज पड़ी होती हैं और हम उसे जो है पहनना नहीं चाहते, क्योंकि नए नए ट्रेंड्स आ जाते हैं तो हम पुरानी साड़ियों के बजाय नए साड़ीज जो है ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपके पास इसी तरीके के बहुत पुराने सारे ब्रॉकेड के साड़ीज पड़े हुए हैं तो इस तरीके से आप रीयूज़ कर सकती हैं उसको। उसके सारे आइडियाज़ इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ दोस्तों। ब्रॉकेड का फैब्रिक जो है बहुत ही ब्यूटीफुल फैब्रिक होता है, उससे बहुत डिफरेंट डिफरेंट इंडियन आउटफिट्स जो है आप तैयार कर सकती हैं। इस तरीके का सलवार सूट आप चाहे तो ब्रॉकेड फैब्रिक से तैयार करें, या फिर कलीदार इस तरीके का लॉन्ग अनारकली गाउन जो है सिलवा लें, या फिर बच्चों के लिए भी आप जो है ब्रॉकेड फैब्रिक से जो है आउटफिट सिलवा सकती हैं, या फिर लहंगा सिलवा लें ब्रॉकेड का जो है बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है ब्रॉकेड के आउटफिट्स जो है। इस तरीके का घरारा भी आप सिला सकते हैं आपके ब्रॉकेट साड़ी के साथ। अगर आपका कोई भी ब्रॉकेट साड़ी जो है वो डैमेज हो गया है थोड़ा, ये तो फिर उसको आप रीयूज़ करें तो और भी ब्यूटीफुल सा जो है उसका नया टाइप का आउटफिट उससे तैयार हो सकता है दोस्तों। इस तरीके की अनारकलीज जो है आप सिला सकती हैं और लेगिंग के साथ पैर करके ब्यूटीफुल सा जो है आउटफिट बना सकती हैं। इस तरीके की अनारकली भी आप ट्राई कर सकती हैं, ऊपर के हिस्से में जो है आप ब्रॉकेट लगाएं और नीचे जो है प्लेन फैब्रिक लगाएं, या फिर ऊपर के हिस्से में प्लेन फैब्रिक लगा के नीचे जो है आपका ब्रॉकेट साड़ी का जो है फ्लेयर बना लें, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। या फिर इस तरीके का ए लाइन जो है लॉन्ग गाउन ब्रॉकेट फैब्रिक के साथ सिला लें, या फिर इस तरीके के ब्रॉकेट के प्लाजो पैंट्स भी आप सिला सकते हैं, बहुत प्रिटी लगेगा। न्यूबॉर्न किड्स हो आपके घर में तो फिर इस तरीके के स्मॉल ब्यूटीफुल फ्रॉक सिला सकती हैं आप ब्रॉकेट साड़ी के साथ, या फिर इस तरीके का जो है लहंगा भी सिला सकती हैं आप। लहंगा चोली जो है बच्चों के लिए ब्रॉकेट फैब्रिक से ब्यूटीफुली ईजिली स्टिच हो जाएगा। ब्रॉकेट के जो है दुपट्टास भी आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं दोस्तों, आप ट्राई कर सकती हैं। अपने ब्रॉकेट का जो है साड़ी को एक दुपट्टा में भी कन्वर्ट कर सकती हैं, बहुत ही प्रिटी लगेगा। किसी भी प्लेन सूट के साथ जो है आप पेयर करें इस तरीके का ब्रॉकेट का जो है दुपट्टा तो ब्यूटीफुल सा जो है स्टनिंग सा लुक आ जाएगा। आप ट्राई कर सकती हैं प्लाजो सूट्स हो, या फिर प्लेन अनारकलीज हो, या फिर प्लेन पंजाबी सूट्स ही क्यों ना हो, आप उसके साथ जो है ब्रॉकेट के दुपट्टा के पेयरिंग ट्राई कर सकती हैं। इस तरीके के बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज में जो है ब्रॉकेट का जो है साड़ी रीयूज़ किया जा सकता है। इस तरीके का लॉन्ग जैकेट का जो है गाउन सिला सकती हैं आप, या फिर स्लिट वाला इस तरीके का ड्रेस सिला के उसके नीचे लहंगा पेयर कर सकती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा और बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है इस तरीके के ब्रॉकेट लहंगा कुर्ती के डिज़ाइंस, या फिर सलवार सूट्स जो है आप सिला लें। अगर आप जो है कमीज़ जो है ब्रॉकेट की सिलाएँ और प्लेन फैब्रिक से जो है बॉटम सिला लें, या फिर ब्रॉकेट की ही बॉटम्स भी इस तरीके के सिला सकती हैं आप, और जो है नेट का दुपट्टा डाल के ब्यूटीफुल सा जो है आपका सलवार सूट इस तरीके का तैयार करें, बहुत ही प्रिटी लगेगा, बहुत ही फेस्टिव लगेगा। आप किसी भी जो है वेडिंग फंक्शन में या फिर जो है फेस्टिव ओकेजन में इस तरीके के आउटफिट्स जो है ब्रॉकेट के पहन सकती हैं और अपनी साड़ी का जो है पूरा वर्थ जो है दोस्तों निकाल सकती हैं। आप अपनी साड़ी को जो है हर तरीके से रीयूज़ करने की कोशिश करें। आप जो है लेसेस को भी यूज़ कर सकती हैं अपनी ब्रॉकेट साड़ी की, पल्लू के जो कपड़ा आता है उसमें जो है आप जो है चोली बना सकती हैं, और जो है बाकी का फैब्रिक लेके आप जो है लहंगा कलीदार बना लें, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। इस तरीके के आउटफिट्स जो है बहुत ही ट्रेंड में चल रहे हैं और जो है ईजिली आपका जो है बजट में तैयार हो जाएगा, क्योंकि फैब्रिक का जो है कॉस्ट तो आपका ज़ीरो रहेगा। फैब्रिक को तो आपको ख़रीदनी नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ जो है टेलर के पास ले जाके जो है इसको बनवाना होगा। इस तरीके की ब्रॉकेट पैंट्स भी आप सिलवा सकते हैं और जो है टॉप्स के साथ उसको पेयर करके ब्यूटीफुल से आउटफिट्स जो है इंडो वेस्टर्न जैसे कि आउटफिट्स आजकल चल रहे हैं वो आप तैयार कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी कलर का आपका ब्रॉकेट फैब्रिक हो आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का लहंगे बना के जो है चोली और लहंगा जो है ब्रॉकेट का बना के बनारसी दुपट्टा अलग से खरीद के जो है आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके का आउटफिट,
और जो है फ्रॉक्स बना सकती हैं या फिर इस तरीके का एसिमेट्रिक टाइप ऑफ न्यू डिज़ाइन की कुर्ती भी आप जो है ब्रॉकेट फैब्रिक से बना सकती हैं। ब्रॉकेट की साड़ीज़ को इस तरीके से रीयूज करके ब्यूटीफुल से ड्रेसेस और जो है कुर्तीज़ और कमीज और या फिर बच्चों के ड्रेसेस बनाने की कोशिश करें दोस्तों, और ब्यूटीफुल सा जो है आपके ब्रॉकेट साड़ी को जो है एक नई लाइफ दें। आई होप आपको जो है ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो दोस्तों, और आपको ये सारा वीडियो